अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खराफे से। अच्छा दोस्तों, जितने कबूतर ज़ाया होने थे हो गए, अब इंशाल्लाह एक कबूतर भी हमारा और मज़ीद ज़ाया नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, वो जो देसी लाल गुन गंडेदार था वो तो आप सब दोस्तों को पता है कि वो जिसका था उनके पास वापसी पहुंच गया। मैंने आप लोगों को बताया था वो गिरदान है, वो जो गुलियर है उसका कोई बायोडाटा नहीं है। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कहेंगे तो इंशाल्लाह दोनों कबूतर मैं कोशिश करूँगा वापस ले आऊँगा। जो देसी लाल गुन गंडेदार है वो तो मिल जाएगा ईजिली, जिनका था उनके पास पहुँच गया। लेकिन जो हमारा शिराजी गुलियर है ना, वो बहुत हसीन कबूतर है, जिसके पास भी होगा देगा भी नहीं और उसका कोई खबर भी नहीं है कि वो गया किधर है। लेकिन आप लोग कमेंट्स करेंगे तो वो जहाँ भी होगा मैं उसको ढूंढ के ले आऊँगा वापसी। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ से वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करना मत भूलना। अच्छा तो दोस्तों, ये पिंजरा आप लोगों को दिखाना था, ये तकरीबन 3 दिन से तैयार हो रहा है और आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया। ब्लॉग में टाइम ही नहीं मिल रहा कि इसको ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये पिंजरा देखें, ये तो जब मुकम्मल तैयार हो जाएगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा इस पिंजरा को हमने कहाँ शिफ्ट करना है और कहाँ किसके लिए बन रहा है। ठीक है, अब ये मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है, अभी तक आधा है। ये पिंजरा भी देखें फरहान ने तैयार किया, कैसे ज़बरदस्त है, फुल मजबूत पिंजरा है। यहाँ से चेक करें, ये बहुत अच्छा पिंजरा है, फरहान बना रहा है ये पिंजरा भी। ये तो मुकम्मल तैयार हो जाएगा ना फिर मैं आपको बताऊँगा ये पिंजरे को कहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये गेट देखें, एक गेट ये रहा, इसका काम जारी है। इस गेट में भी एक ये गेट आ जाएगा, एक ये छोटा गेट आ जाएगा, एक ये, तीन गेट इसमें आ जाएंगे और इसी तरह तीन गेट इसमें, तीन इसमें, तकरीबन इसी तरह बनाएगा। बाकी आसपास अभी जालियाँ लगानी है, इसका काम वगैरह बाकी है। पिंजरा दिखाना, देखें कैसे बनाया ज़बरदस्त यार फरहान, आप लोगों को पता है कैसे ज़बरदस्त पिंजरा बनाता है। उसने छत पर भी उसने बनाया था और ये पिंजरा भी अपने हाथ से उसने बनाया है। देखें पट्टी भी मजबूत है, फुल अच्छा पिंजरा है, फुल मजबूत। यहाँ से भी देखें ज़बरदस्त पिंजरा है ये भी, और इसके साथ एक ये रहा छोटा और, ये वाला दिखाऊं मैं आप लोग, घंटा घर है भाई ये। दोनों पिंजरा देखें कैसे ज़बरदस्त बनाया है यार, डिज़ाइन इसका कितना प्यारा है दोस्तों। ये देखें ऊपर से ना बड़ा प्यारा लग रहा है, उसकी लकड़ियाँ देखें कितनी सारी बची हुई हैं दोस्तों। आज ही ये बाजरा मंगवाया, देखें ये बाजरा मंगवाया भी, ये गोदाम से मंगवाया। ठीक है, जहाँ कबूतर वगैरह होते हैं ना, भाई को दिया था, भाई ले के आया था। बाजरा चेक करें, देखें 50 किलो की बोरी है बाजरा, देखें साफ़ है, अच्छा बाजरा है। वरना जो गंदा बाजरा होता है ना उसमें हाथ डालते हैं ना इस तरह, हाथ में थोड़ी सी धूल वगैरह लग जाती है, लेकिन ये बाजरा सही है। लेकिन इस बाजरे को भी हम अच्छी तरीके से धो के साफ़ सुथरा करके फिर देंगे। इसमें देखें वो जो बाजरे के ऊपर वगैरह होते हैं ना छोटा छोटा सा तिनके वगैरह, वो भी इसमें नहीं है, बाजरा साफ़ है। लेकिन जो ओरिजिनल बाजरा है ना वो मकाओ है, उसके भाई उसके जैसा कोई बाजरा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बाजरा है। 50 किलो की बोरी है पूरे, आज ही मंगवाई है ये। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कबूतर की ना ट्रेनिंग चल रही है, अब ट्रेनिंग मैं इनकी कर रहा था, इनका सांस दम बना रहा था, इनके थोड़ा तावे शावे दे रहा था। कबूतर देखें नीचे आगे बैठे हैं, अभी इनको 5 मिनट दिए थे मैंने रेस्ट के लिए कि चलो सांस वांस लें। ये कबूतर देखें नीचे आ गए, ये देखें कुछ कबूतर ऊपर बैठे हैं, बाकी ये देखें इनमें ये ना एक मादी है ये वाली खैरी, ये भी मेरे घर की ब्रीड है जिसको इस वजह से रोका हुआ है। मादियाँ इसी वजह से देखो रखते ही नहीं है, ये बहुत तंग करती हैं। चलो बेटा अब ये देखें और वो देखें कहाँ आ गए, उनको वापसी भेजते हैं ऊपर फिर इनकी ट्रेनिंग करेंगे हम। चलो चलो भी इतने ढीट हो गए यार ये तो। चल बेटा, ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों एक और कबूतर हमारा एक्सपायर हो गया है, ये वो वाइट डॉन फेस है जो वापसी नहीं आया था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था वही कबूतर है यार। खैर इसको निकाल दे, जिसका जितना वक्त था उतना उसने गुजारना है। तो माशाल्लाह देखें कबूतरों की ट्रेनिंग जारी है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था। इधर ये गंडेदार निकल रहा है, ये रहा दोस्तों गंडेदार, उना भी गंडेदार नहीं है। हाट बेटा काफ़ी ऊपर लग गया है, ए किधर जा रहा है सीधा, लाल बंद है, चिट्टा लाल बंद है। हाँ आया 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 आया, अरे लाल बंदा दोस्तों देखें कैसे निकल रहा है, गिरदान है अपना, वो जहाँ भी जाएगा वापसी आ जाएगा, ये निकलता था पहले भी। गया ये आ रहा है, एक चिट्टा लाल बन ये घूम रहा है और एक नाभी ये घूम रहा है, आ गया नाभी।
ये आ गया भाई, उन्हें अभी घंटे था। हाँ ना, ये अपना लाल गोरा है ना, ये भी अपना है। लाल बंद है ना घर का पटा, ये भी अपना है। आ गए सारे, आ गए दोस्तों, सारे कबूतर वापसी आ गए। एक रॉकेट गायब है, बैठा हुआ तो नहीं है पीछे, रॉकेट निकला हुआ अकेला। बाकी ये आया, ये आया। आ बेटा, आ आड़े, आ आ आ फिर निकल रहा है। देख हाँ, हट जवाना, बहुत तेज है यार ये। अच्छा तो दोस्तों, कबूतरों की ट्रेनिंग जारी है माशाल्लाह से। जिस तरह मैंने आपको बताया, आज कबूतरों को हमारी कुलत का तीसरा दिन है, तीसरा या चौथा दिन है। और देखें एक्सरसाइज चल रही है, सारे नए पुराने सारे कबूतर मैंने खोले हुए। आपको मैं साज भी दिखाऊंगा, और इनको अभी मैंने सही से कसा है, इनको तावे शावे दिए, ट्रेनिंग वगैरह की, ऊपर नीचे उठक बटक सारी करके अभी इनको बिठाया है। ठीक है, इतने में देखें एक कबूतर वो हमारा बैठा हुआ है, वो भी हमारा अपना ही है। ठीक है, उस बेचारे की ज़रा हालत टाइट हो गई, उस कबूतर की भी ना कलियाँ कम में रोक ली हैं उसने भी, जिसकी वजह से वो थक के वहाँ पर बैठ गया। बाकी बड़ा मज़ेदार सा सीन बनने वाला है, कुछ कबूतर मैंने रोके हुए भी हैं, मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, रोके हुए ये कबूतर मैंने इस वजह से, क्योंकि मैंने आप लोग कहा था अब इंशाल्लाह हमारा ये कबूतर भी ज़ाया नहीं होगा। ये कबूतर वो रोके हैं जो बहुत तेज़ हैं, बहुत निकलते हैं उड़ते के साथ ही। ख़ासतौर पर ये चिट्टा लालबन जो हमारा मक्सी, ज़्यादा चिट्टा तो नहीं है, लालबन कहेंगे, मक्सी जो भी है, बहुत तेज़ है ये कबूतर। ठीक है, इसको इस वजह से रोका हुआ है। साथ में अब अबील थोड़ा सा खूबसूरत है, इसको इस वजह से रोका क्योंकि इसको देखभाल के उड़ाएंगे। साथ में मैनादाख भी बहुत तेज़ हुआ है, निकलता है आगे। और हमारा घाघरा गंडेदार, इस कबूतर को भी मैंने रोका हुआ है। और साथ ही यहाँ पे ये बाकी सारे जितने भी कबूतर हैं मैंने सारे खुले हुए, मैं आपको दिखाता हूँ, नए कबूतर भी पुराने भी सारे दिखाता हूँ। ठीक है, चले यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से देखें। अब देखें साज, देखें माशाल्लाह कैसा प्यारा हो गया है, कुछ कबूतरों की कमी महसूस हो रही है। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे ना, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं सारे कबूतर वापसी ले आऊँगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके कमेंट्स भरे, इसमें कुछ कबूतर दोस्तों निकल गए थे, अभी वापसी आए, जैसे कि ये रॉकेट था जिनमें निकल गया था ये कबूतर, बहुत तेज़ है और हमारी छत का सबसे तेज़ कबूतर, इसी वजह से इसका नाम मैंने रखा है रॉकेट। रुकता नहीं है भाई ये कबूतरों में, निकल जाते आगे, वापसी आया है। बाकी देखें उनाबी गंडेदार है, उनाबी गंडेदार की तरिया ये रहा, उनाबी गंडेदार भी बहुत तेज़ है, लेकिन दोस्तों अभी तक ये कबूतर निकल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि इसका सीना कुंदा जाम हुआ है इस कबूतरों का भी। आपको पता है कबूतर जब बैठ जाता है ना, 3-4 महीने वो बैठ के खाता है, आपको पता है उड़ता तो है नहीं वो कबूतर, इस वजह से उसके जो पैरों में ना चर्बी जम जाती है, थोड़ा सा मोटापा आ जाता है, फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कबूतर को फिर 3 महीने बाद 2 महीने बाद उड़ने में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम इनको एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, दोबारा से आगाज़ करवाते हैं, ताकि कबूतर सारे रिकवर हो जाएं, वापसी आ जाएं अपनी उसी पुरानी फील्ड में। तो देखें कबूतर